विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई की तरफ से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के इब्राहिमपुर गांव और ढकवा बाजार में गरीब और जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरण किया गया। इसके अलावा जरूरतमंद बच्चों में नोटबुक का वितरण भी संस्था के अध्यक्ष रमाशंकर विश्वकर्मा और फुर्रामा द्वारा किया गया। श्री विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट लॉकडाउन के दौरान मुंबई और उत्तर प्रदेश में इस तरह का सामाजिक कार्य बड़े पैमाने पर कर रही थी। इस मौके पर रमाशंकर विश्वकर्मा, शोले चतुर्वेदी, संजय सिंह, कमलेश यादव, सीमा विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, भादव विश्वकर्मा, पत्रकार रोहित जायसवाल सहित भारी संख्या में संस्था से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ऐसा है कि मुंबई में मैं 35-40 साल से रह रहा हूं और 12-13 साल समाज सेवा करता रह रहा हूं। मेरा मूल गाँव प्रतापगढ़ जिला पट्टी तहसील ग्राम इब्राहिमपुर है। मैं पिछले 10-12 साल से 26 जनवरी के दिन बच्चों लोग को बुक बांटते आ रहा हूँ। प्राइमरी के बच्चे जो हमारे गरीब गांव के हैं, 100 से 150-200 बच्चे आते हैं, उनको बुक बांटता हूँ। इस बार मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं गांव आया था, जो यहाँ पे ठंडी बहुत है और लोगों की समस्या सबसे ज़्यादा है, तो हमने 100-125 लोगों को कंबल बांटे आज सुबह। और हमेशा सामाजिक काम करते रहता हूँ। अगर किसी भी भाई बंधु को कुछ ज़रूरत पड़े तो उनके लिए मैं सदैव तत्पर तैयार हूँ। मैं शोले चतुर्वेदी हूँ और मैं यहीं का निवासी हूँ और हमारे गांव के ही एक सदस्य रामा विश्वकर्मा जी, जो मुंबई में और यहां यूपी में कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो गरीबों का मदद किए और कम्बल बांटे और उन लोगों को काफ़ी मदद दी गई और अभी तक ये आज जो 125 या 150 तक कम्बल अपने यहां निवास पर वितरित किए गरीबों का। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इनका सहयोग करिए, बहुत पुण्य काम है, अच्छा काम है, गरीबों का बहुत मदद किए हैं। क्या हर व्यक्ति ऐसा गांव में होना अनिवार्य है? जी हाँ एकदम, अगर गांव से केवल एक व्यक्ति निकल जाए तो इनकी मदद के लिए, तो ये काफ़ी लोग ऐसे धीरे धीरे सब हर एरिया से हर गांव से एक लड़का या फिर या एक बुजुर्ग निकल जाए जिसके पास संपन्न है, पैसा है, वो लोग गरीबों का मदद कर सकते हैं।